नमस्कार विजय केसी न्यूज, आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आ रही है नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला, जहां पर आपको बता दें डीसी पंचकुला व डीसीपी पंचकुला ने आज कोविड-19 के संबंध में नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला का किया औचक दौरा। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज डीसी पंचकुला मुकेश कुमार आहूजा व डीसीपी पंचकुला मोहित हांडा ने कोविड-19 के संबंध में नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला का किया औचक दौरा। डीसी पंचकुला ने कहा कि आज इस निरीक्षण का मकसद सिर्फ इतना ही था कि कोविड-19 के मरीजों का हाल जानने व उन डॉक्टर से मिलने का जो डॉक्टर दिन रात लगे मरीजों का इलाज करते नज़र आ रहे हैं, वहीं पर उनके साथ ही कोविड-19 के मरीजों के अटेंडेंटों को किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। इस निरीक्षण के दौरान नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला की CMO डॉक्टर जसजीत कौर व अन्य डॉक्टर व ACP पंचकुला उमेश सिंह, प्रबंधक थाना सेक्टर 5 निरीक्षक ललित कुमार व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। किया है तो क्या आपको लगा यहाँ पे? हम एक तो डॉक्टर्स को मिलने आए थे जो दिन और रात यहाँ काम कर रहे हैं, जो पैरामेडिक स्टाफ है, और दूसरा ये था कि पेशेंट्स का हाल जाना जाए, और कुछ अटेंडेंट्स जो हैं वो भी तंग होते हैं, उनको बैठने की व्यवस्था ये हो, ये सारे पहलू थे। तो उस दृष्टिकोण से आज दौरा किया है। आज ही पंचकुला में एक और 50 बेड का अस्पताल शुरू हुआ है, तो अब ये मान उम्मीद रहेगी कि मतलब जो बेड वगैरह की समस्या थी वो खत्म होगी? उससे हमें रिलीफ तो निश्चित रूप से मिलेगा। जो यहाँ पे पेशेंट पूरा ठीक होके जाता था 95 तक का सेचुरेशन, 94 का लेके, जब वो 90 से ऊपर होंगे तो हम उनको वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की व्यवस्था है, और यहाँ जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको एडमिशन मिल सकता है। ये रिलीफ रहेगा, 50 की एडिशन कह सकते हैं।